नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। WWE नियमों में किए गए बदलाव, अब टाइटल के लिए नहीं मिलेगा मैच। WWE ने हाल ही में अपने नियमों में कुछ बदलाव कर लिया है, जिसके चलते हारने वाली कंटेनर को अपना टाइटल रिटेन करने के लिए सीधे तौर पर मैच नहीं मिलेगा। इससे पहले WWE में अगर कोई भी रेसलर हार जाता था तो वो अपना टाइटल वापस पाने के लिए रीमैच की मांग कर सकता था, लेकिन अब ये नियम बदल गए हैं। WWE मंडे नाइट रॉ में हुए एक शो में बताया गया कि किसी भी कंटेंडर को हराने के बाद अपना टाइटल वापस हासिल करने के लिए सीधा रीमैच नहीं किया जाएगा। इससे पहले ये रूल था कि कोई भी जब हार जाता था तो रीमैच की डिमांड रख सकता था। ऐसे तब पता चला जब सेट रोलेंस मंडे नाइट रॉ में आकर अपने टाइटल के लिए रीमैच की मांग कर रहे थे। उसी समय ट्रिपल एच रिंग में आकर कहने लगे कि अब किसी भी रेसलर को सीधा मैच नहीं दिया जाएगा, इसलिए डीन एम्ब्रोस के खिलाफ सेट रोलेंस को रीमैच नहीं दिया गया और नियमों में बदलाव हो गया। अगर एक तरफ से देखा जाए तो यह नियम बिल्कुल सही है, क्योंकि हारने वाले कंटेंडर को दोबारा मौका देना सही नहीं था। अगर वह अपना सही में काबिलियत को साबित कर दोबारा टाइटल के लिए मैच खेलता है तो सही रहेगा कि इस नियम को लागू कर दिया जाए। अगर आपके अनुसार ये नियम WWE में होना चाहिए तो कमेंट करके अवश्य जवाब दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जनाब, WWE में आपका फेवरेट रेसलर कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।